Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया. मेरा नाम है मिनाहिल. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है इनसाइड इंडिया फर्स्ट आरआरटीएस ट्रेन दिल्ली मीरठ आरआरटीएस ट्रेन और इनके चैनल का नेम है आरएस लाइव. आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं. वीडियो का लिंक और टाइटल मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें. जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो. यार इनके लुक कितने मजे के. हाँ मैं यही बात कर रही थी. इनके बुलेट ट्रेन है, उसके भी यही शेप है ना. ये वही तो नहीं है? नहीं, बुलेट ट्रेन थोड़ी है उसका. तो उन्होंने रास्ते ही रास्ता बनाया है. वो ये तो सिटी में से गुजर रही है. मुझे इसकी फ्रंट लुक जैसे वो कोई मिसाइल नहीं होता. जैसे किसी को लगेगी तो ठुस. कुछ बोला नहीं जाएगा इस वीडियो में. हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे. देश के इस वक्त के सबसे पॉपुलर ट्रेन में से एक है और आज इसी के अंदर हम और आप चलने वाले और देखने वाले. क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि भाई कब दिखा रहे हो ये ट्रेन. तो आज वो मौका आ गया है कि फाइनली हम और आप इसके अंदर चलने वाले हैं, देखने वाले हैं. पहली बार आपको अपने देश में ऐसी कोई ट्रेन देखने को मिलती है. कंपटीशन इसका बहुत हाई है क्योंकि लोग कहते हैं कि वंदे भारत अच्छा है या कुछ लोग कहते हैं यार देश की ट्रेन अच्छी है. ये आप कमेंट करके बताना भाई. मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ. मैं बस आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या कुछ इसमें मिलता है. जब मैंने आपको प्रोटोटाइप दिखाया तो वो ऐसा ही दिखता था कुछ इसी तरीके से. सामने अपने देश का फ्लैग, इसे देखकर सीना चौड़ा हो जाता है क्योंकि अपने देश में पहली बार आरआरटीएस की ये लाइन बनाई जा रही है और पहली बार हम और आप इसमें सफर करने वाले हैं. तो गर्व से सीना चौड़ा इसलिए हो भी हो जाता है क्योंकि इसको पूरी तरीके से भारत के इंजीनियर्स ने बनाया है और इस जगह पर इसकी जो पूरी कंस्ट्रक्शन का जो काम जो मैंने आपको दिखाया है वो भी भारत और उसके इंजीनियर्स ने किया है. तो गर्व से सीना चौड़ा होना बनता है. इसके डिजाइन और बाहर के प्रोफाइल की बात करूं तो बहुत ही कमाल का डिजाइन इसका है और इंडिया में जितने भी ट्रेन्स हैं उनमें आपको ऐसे डिजाइन अभी तो फिलहाल नहीं देखने को मिलते. आने वाले वक्त में जरूर देखने को मिलेंगे. सच में अगर आप मेरे से पूछोगे भाई तो मुझे बहुत पसंद आया है और आने वाले वक्त में आपको और भी ट्रेनें ऐसे देखने को मिल जाएंगी. इसकी पैकिंग ऐसी है ना, पता नहीं चल रहा आ रही है जा रही है. ट्रेन की स्पीड की अगर मैं बात करूं तो 160 तो इसने आसानी से टच कर लिया है जी. 160. और वो भी पिलर्स के ऊपर. मतलब पूरा इसका जो हिस्सा होने वाला है ना ये पिलर्स के ऊपर ही होने वाला है. wow. और जहाँ कहीं भी अगर पिलर के ऊपर आपको नहीं दिखे तो समझ जाएगा अंडरग्राउंड होगा. बस दो ही हिस्से हैं इसके, या तो पिलर्स के ऊपर या फिर जमीन के अंदर. और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब टेस्ट रन किया गया था ना इस ट्रेन का तो पूरा इसने धूम मचा दिया था. सबसे पहले कि मैं आपको अंदर लेकर जाऊं, यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स. ये जो स्क्रीन डोर आप देख रहे हो भाई ये ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे. लेकिन ये जो गेट देख रहे हो जिससे ओपन होने के बाद आप अंदर जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगी. यहाँ पर एक बटन दिया गया, इस बटन को जब आप प्रेस करोगे ना उसके बाद ये डोर ओपन होता है और फिर इसके अंदर आप जा सकते हो. ये फीचर्स इसलिए एड ऑन इसमें किया गया है ताकि एनर्जी सेविंग की जा सके. मेट्रो जो होता है वो लंबे सफर के लिए नहीं होता, इसलिए उसमें जो डोर है ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. लेकिन ये जो बनाया गया है ये एक सिटी को दूसरे सिटी से कनेक्ट करने के लिए और ये लंबे सफर को तय करने के लिए ये ट्रेन डिजाइन की गई. तो इसी वजह से एनर्जी सेव करने के लिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर बटन दिया गया. तो आप जब भी इसमें एंटर करोगे तो आपको ये बटन प्रेस करना पड़ेगा. चलो अब इसके अंदर चलते हैं और फिर दिखाते हैं कि और क्या कुछ देखने को मिलता है. ये जो पूरा ट्रेन देखोगे तो इसमें 6 कोचेस आपको देखने को मिलेंगे. एक रहने वाला है जो कि महिलाओं के लिए है, एक रहने वाला है जो कि होने वाला है प्रीमियम कोच. उसके बाद जितने भी आपको दिखेंगे वो सारे स्टैंडर्ड कोच होने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई प्रीमियम में कैसा कुछ दिखता है, उसके बाद फिर स्टैंडर्ड की बात करेंगे. वैसे जो ये देख रहे हो स्टैंडर्ड ही है लेकिन चलो प्रीमियम दिखाता हूँ पहले. ये जो हिस्सा ये पूरा देख रहे हो ये प्रीमियम कोच का होने वाला है. इसमें जो सीट का कलर अगर आप देखोगे तो ये ब्लू दिखेगा. हैंडल अगर आप देखोगे तो ये हैंडल जो है ये ऑरेंज कलर का दिखेगा.
और इसमें क्या कुछ मिलेगा वो भी आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड के मुकाबले। तो फीचर्स आपको बता देता हूँ कि स्टैंडर्ड में क्या कुछ नहीं मिलने वाला और प्रीमियम में क्या कुछ मिलने वाला है। कि सीट की अगर मैं बात करूँ तो इसका सीट में अगर आप देखोगे ना तो इसका जो कुशन है एक तो सबसे कंफर्टेबल है, दूसरा इसके जो हैंडल्स है ये आप प्रिफर कर सकते हो आराम से। तो दो लोग अगर आप ट्रेवल कर रहे हो ना भाई तो इसको आप आराम से उठाओ और अगर पैर रख रहे हैं कर लो, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है। साथ ही आपको क्या मिलता है यहाँ पर इस वाले में, स्टैंडर्ड में आपको ये पावर सॉकेट नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पर पावर सॉकेट भी आपको मिलता है और यूएसबी भी मिलता है चार्ज करने के लिए, यूएसबी अपने फोन के लिए, ये आपके लैपटॉप के लिए। उसके अलावा मुझे दूसरी वाली सीट पे जाना पड़ेगा, पीछे वाली सीट पे। यहाँ पर जब आओगे ना तो आपको यहाँ पर फुट रेस्ट भी मिलता है जो कि स्टैंडर्ड में आपको नहीं मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर सामान रखने के लिए सीट के पीछे ये जो स्पेस दिया गया है इसमें आपको अच्छा खासा सामान आप रख सकते हो और ये बड़ा है साइज में कंपेयर टू अगर आप स्टैंडर्ड में देखोगे तो। आपके कोट को हैंग करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा हैंगर भी दिया गया है तो इसमें आसानी से आप अपने कोट को हैंग कर सकते हो। और हर सीट के साथ यहाँ पर आपको पावर सॉकेट और यूएसबी तो मिलता ही मिलता है। और आपको क्या कुछ मिलता है इस जगह पर, वैसे अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर वो सामान रखने के लिए ट्रे तो नहीं दिखेगा लेकिन ये इंस्टॉल किया जाना है अभी, फाइनल जब इसकी सर्विस स्टार्ट होगी तो आपको वो ट्रे मिलेगा जिसपे आप अपने सामान को रख सकते हो। प्रीमियम में एक एक्स्ट्रा फीचर आपको ये मिल जाता है कि इस विंडो को कवर करने के लिए यहाँ पर ना ब्लाइंड्स लगाए जाएंगे, उसको आप फोल्ड और अनफोल्ड कर सकते हो। जब आपको चाहिए सनलाइट तो भाई आप उसको खोल लो, जब नहीं चाहिए तो बंद कर लो। एक और एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये सामान रखने के लिए रैक तो दिया गया है ये वाला, इस पे आप अपने सामान को रख सकते हो। दूसरा यहाँ पर ये जो स्पेस आप खाली देख रहे हो ना यहाँ पर फूड वेंडिंग मशीन आने वाला है, मतलब पैसा डालो और जो सामान चाहिए ले लो। हाँ तो खाने पीने की चीजें भी आपको प्रीमियम में मिल जाएगी, स्टैंडर्ड में ये फैसिलिटी आपको देखने को नहीं मिलता है। तो खाने पीने का सामान यहाँ पर मिल जाएगा आपको और इसके लिए कोई ऑपरेटर नहीं होगा, बस पैसा डालो और जो भी सामान चाहिए वो आपका निकल के बाहर आ जाएगा, बस बहुत सिंपल है। और ज्यादातर ये डिजिटल ही होगा क्योंकि यूपीआई के जरिए ही आप पेमेंट कर सकते हो। हाँ डिजिटल होगा, डिजिटल इंडिया को भी प्रमोट कर रही है एनसीईआरटीसी। और आपको क्या दिखता है ये वाला जो देख रहे हो ये स्क्रीन होने वाला है, यहाँ पर एक ये भी स्क्रीन है, एक इस तरफ भी स्क्रीन है। तो ये वाला जो स्क्रीन है जब आप सीट पे बैठते हो तो आपको आसानी से दिखता है, इसमें भी इंफॉर्मेशन होगा कि कहाँ कहाँ ये ट्रेन जाने वाली है या अगला स्टेशन कौन सा होने वाला है। और गेट पे इसलिए लगा है ताकि अब जैसे ही एंटर करो तो आपको पता चल जाए कि हाँ किस जगह पर ये ट्रेन इस वक्त पे है। इसका सीसीटीवी कैमरा अगर देखोगे ना तो ये कंपेयर टू जितने भी अभी तक मैंने ट्रेन के अंदर देखे उसके मुकाबले तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं और ये बहुत ही नाइसली यहाँ पर फिट किया गया है। सिक्योरिटी कैमरे आपके इसके पूरे कोचेस में देखने को मिलेंगे और ये बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। साथ ही साथ एसी वेंट भी अगर देखोगे तो ये एसी वेंट पता नहीं चलता है, ये वाला जो देख रहा ना ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि ये एसी वेंट है, आराम से इसमें से हवा आ रही है और मस्त फुल एसी इसमें चलाकर देने वाले हैं। तो आगे की ये जो दो सीटें देख रहे हो ये महिलाओं के लिए यहाँ पर इसे लिखा हुआ है फॉर लेडीज ओनली। और साथ ही साथ इस पूरे में वाईफाई की फैसिलिटी मिलेगी, वैसे ज्यादातर इसका हिस्सा जो होने वाला है वो एलिवेटेड यानी कि पिलर्स के ऊपर होने वाला है लेकिन जहां पर ये अंडरग्राउंड भी होगा ना उस जगह पे भी आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी मिलेगी। इसी वजह से इन्होंने हर 500 मीटर्स पे वाईफाई के राउटर इंस्टॉल किया और जो कि बहुत ही हेवी राउटर्स है। अब तो ये मैंने आपको दिखा दिया प्रीमियम का, अब लेकर चलता हूं आपको स्टैंडर्ड का, दिखाता हूं कि क्या कुछ स्टैंडर्ड में होने वाला है, उसके बाद आपको लेकर चलूंगा कि कैसा दिखेगा जो पायलट होगा जो इस ट्रेन को रन करने वाला है जी। तो वो वाला हिस्सा आखिरी में आपको दिखाऊंगा, पहले चलते हैं इस तरफ स्टैंडर्ड को दिखाता हूं कि स्टैंडर्ड क्या कुछ मिलने वाला आपको, कैसा कुछ दिखने वाला। जिनके पास प्रीमियम की टिकट होगी वही प्रीमियम में ट्रेवल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वाले लोग प्रीमियम में नहीं जा सकते। इसी वजह से ये पूरी जर्नी में ये जो प्रीमियम कोच का जो गेट है ना ये लॉक रहने वाला है जी हाँ। और स्टैंडर्ड में अगर आप ट्रेवल कर रहे हो तो आपको इसमें नहीं जा सकते हो। अब स्टैंडर्ड में दिखाता हूँ कि आपको क्या कुछ मिलने वाला है, चलो ये वाला हिस्सा होने वाला है स्टैंडर्ड का। और स्टैंडर्ड में अगर आप जैसे ही अंदर आते हो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर जो सीट का कलर देखोगे ना वो रेड आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको ब्लू देखने को मिलेगा और पैटर्न भी थोड़ा अलग है कंपेयर टू प्रीमियम के। इस जगह पर ये जो सीट आपको देख रही है ना ये यहाँ पर चार लोग आसानी से बैठ सकते हैं और बीच में यहाँ पर हैंडल भी दिया गया है तो आप अपने हाथ को यहाँ पर आराम से रख भी सकते हैं। इसके ठीक ऊपर आपको यहाँ पर ट्रे मिलता है जिसपे आप अपने सामान को रख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो इस तरफ ये चार्जिंग पॉइंट्स भी यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों के दोनों यूएसबी यहाँ पर दिए गए हैं। स्टैंडर्ड में अगर आप सीट देखोगे तो इसकी चौड़ाई आपको कम दिखेगी, साथ ही साथ प्रीमियम के मुकाबले प्रीमियम में आपको हेडरेस्ट मिलता है, यहाँ पर हेडरेस्ट नहीं है। और साथ ही साथ इसमें एक और फीचर आपको नहीं मिलता है जो कि इसको रिक्लाइन करने का, प्रीमियम में आप अपनी सीट को रिक्लाइन कर सकते हो लेकिन इस वाले में आप अपनी सीट को रिक्लाइन नहीं कर सकते हो। इस वाले हिस्से में आपको फुटरेस्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन लेग स्पेस यहाँ पर अच्छा खासा है, सामान रखने के लिए यहाँ पर जगह दी गई है तो आप अपने फोन को यहाँ पर आसानी से रख सकते हो। ये वाला जो देखोगे तो ये यहाँ पर रैक्स दिए गए हैं अगेन सामान रखने के लिए। और ऊपर का जो रूफटॉप देखोगे ना इस ट्रेन के अंदर का तो स्टैंडर्ड और प्रीमियम में सिमिलर ही आपको देखने को मिलता है। और क्या मिलता है आपको, चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर मिलते हैं लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स यहाँ पर जो मिलेंगे ना ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल्स के लिए है, लैपटॉप के लिए नहीं है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेवल करूँगा तो सबसे फेवरेट पार्ट मेरा यही रहने वाला है क्योंकि यहाँ पर अगर देखोगे ना तो आपके पास अच्छा खासा स्पेस है,
है ना। तो ये मेरा सबसे फेवरेट रहने वाला भाई, अगर जब भी मैं इस ट्रेन में ट्रेवल करूँगा तो मैं प्रेफर करूँगा कि ये वाली सीट मुझे मिल जाए। अदरवाइज और भी ऑप्शन तो है लेकिन ये वाला फिर भी ठीक है। चलो वैसे ही आपको इस पूरे कोच में, क्योंकि 5 के 5 जितने भी डब्बे आपको दिखेंगे ना, वो सिमिलर ही आपको सारा फीचर देखने को मिलता है, क्योंकि प्रीमियम का सिर्फ एक कोच होने वाला है, बाद बाकी जो 5 कोच होंगे वो 5 के 5 स्टैंडर्ड होने वाले हैं और उन सभी में आपको सिमिलर फीचर मिलने वाला है। और वैसे मैं आपको बताऊं, ये जो पूरा दिल्ली मेरठ RRTS है, ये है 82 किलोमीटर लंबा। इसमें से 17 किलोमीटर का जो हिस्सा है आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाला है। स्टार्ट होगा इसी जगह से, साहिबाबाद से, और ये आगे तक जाएगा दुहाई तक। तो ये जो 17 किलोमीटर का हिस्सा है उस पर सर्विस आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाली है NCRTC। और उसी सर्विस को स्टार्ट करने से पहले आपके भाई को मौका दिया कि भाई ये दिखा दो कि किस तरीके से ट्रेन होने वाला है, कैसा कुछ लगने वाला है। आने वाले वक्त में दिल्ली NCR में जो लोग रहते हैं वो तो इसकी सर्विस को इस्तेमाल करने वाले हैं, और जो लोग दिल्ली NCR में नहीं रहते हैं वो इस वीडियो को देखकर इस बात को तो जान ही लेंगे कि भाई बहुत ही कमाल की सर्विस NCRTC प्रोवाइड करने वाली है। और इससे ना आपका एक्साइटमेंट भी बढ़ेगा कि जल्दी से ना दिल्ली जाऊँ और साहिबाबाद में जाकर ये दिल्ली मेरठ RRTS की सर्विस को इस्तेमाल। ये जो आप हिस्सा देख रहे हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर हमारा आ नहीं सकते हैं। आज मौका मिला है तो इसलिए आ गया हूँ भाई, और आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसा कुछ दिखने वाला है। तो ये पूरी तरीके से जो यहाँ जो कंट्रोल देख रहा हूँ ना, बहुत सारे बटन तो मुझे पता भी नहीं है, मोस्टली नहीं पता भाई, सच बता रहा हूँ। जो मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर देखोगे तो स्क्रीन है जिसके ऊपर कैमरे का जो भी आउटपुट है वो आ रहा है, और एक कैमरा आगे इंस्टॉल है ट्रेन के, जिससे कि पता चल रहा है कि सामने कैसा कुछ क्या कुछ है, और एक साइड प्रोफाइल दिखाने के लिए एक यहाँ पर स्क्रीन और भी आपको दिखेगी, लेकिन फिलहाल ये ऑन नहीं है। एक स्क्रीन जहाँ पर इंजन के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो दिखते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर दिखेंगे तो आपको एक माइक भी दिखेगा जिससे कि बहुत ही आसानी से जो अनाउंसमेंट है वो कर सकता है पायलट। तो इसी के लिए ये लगाया गया, यहाँ पर एक छोटा सा बटन है, बटन को प्रेस करो और फिर जो भी अनाउंसमेंट करना है कर दो। पर अगर आप हॉर्न का देखोगे ना तो 2 फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक हाई टोन के लिए बहुत ही लाउड साउंड चाहिए तो इसको प्रेस करो, लो टोन मतलब बहुत ही छोटा सा चाहिए ना तो इसको प्रेस कर दो आप। तो यहाँ पे अल्स्ट्रोम जिसने इस ट्रेन को डिजाइन किया है, बनाया है, उनका लोगो देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ जो कि अल्स्ट्रोम के क्लाइंट है NCRTC जिसके लिए ये ट्रेन बनाई गई है उसका भी लोगो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जो आपको मैंने दिखाया ना, आपको ये बाद में देखने को नहीं मिलेगा और मुझे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जब इसकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो ट्रेन के अंदर ये मुझे भी नहीं आने देंगे, मतलब ट्रेन के इस वाले हिस्से में तो मुझे भी नहीं आने देंगे। तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया, ये वीडियो में ही आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब सर्विस स्टार्ट हो जाएगी तो इस जगह पर सिर्फ और सिर्फ पायलट को आना ही अलाउड होगा। ये था अपडेट साहिबाबाद से दिल्ली मेरठ RRTS की सबसे पहली ट्रेन का, जो कि आज मौका दिया है हमें और आपको देखने और दिखाने के लिए NCRTC में। तो चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि अपने देश में पहली बार ये परियोजना बनाई गई है दिल्ली मेरठ RRTS, और अब तो फाइनली इसके ट्रेन का बाहर से और अंदर से आपको नज़ारा देखने को मिल गया है, और जल्द ही आप इस ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं। तो शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। बहुत ही जबरदस्त थी ट्रेन, फर्स्ट टाइम हमने भी ये जो वो पायलट वाला कैबिन है वो फर्स्ट टाइम देखा, वो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी। और दूसरा ये कि ये जो ऑटो वाली थी मशीन थी जिसमें आप बस डालोगे कार्ड या जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगी, पैसे डालोगे, वो आपको सामान जो है जो भी आपने खाने पीने का, और प्रीमियम, और दूसरा था स्टैंडर्ड वगैरह, उसका भी इतना कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं था। बस ये था कि जैसे प्रीमियम में था कि हर वो सीट के साथ था, और उसमें ये कि आपको वो मिल रहा था लैपटॉप के लिए मिल रही थी, इसमें ये कि आपके सिर्फ मोबाइल चार्ज कर सकते हो, लैपटॉप का वो नहीं था, सहूलत नहीं थी। और दूसरा ये कि सीट के बीच में था वो हैंडल था ना, बाजू रखने वगैरह के लिए, तो इसमें सिलेंडर में वो चीज दी थी। और सबसे ज्यादा इनको मजे की वो चीज लगी थी, वो जो दरवाजे के सामने जहाँ फोर लोग जो है वो आराम से बैठ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा खुली स्पेस थी। और दूसरा ये भी था ना कि वो जो खाने की आप बात कर रही है कि आप वो स्टैंडर्ड में, वो स्टैंडर्ड में वो चीज नहीं थी, और उसका डोर भी बंद रहना था, मतलब प्रीमियम का, और उसका जैसे वो इकोनॉमी क्लास, प्रीमियम में था बिजनेस क्लास है, और बाकी 5 जो डब्बे थे वो। लेकिन मुझे ये है कि इनका इसका जो फेयर है ना वो भी बताना चाहिए था कि इसका कितना किराया, आपस में क्या डिफरेंस है, प्रीमियम आपस में क्या फर्क है, और दूसरा इनका है मतलब क्या क्या क्राइटेरिया इसका क्या है, ये नहीं बस बताया, ये भी बताना चाहिए था ना। हाँ, वंदे भारत और इसका जो आपस में कंपैरिजन किया था तो उनका भी डिफरेंस बताना चाहिए था कि इसका ये
वंदे भारत भी देखा से एक सिटी से दूसरे सिटी जाती है ना, ये भी लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एक सिटी से दूसरे सिटी को कनेक्ट कर रही है, तो इनका भी आपस में जो है वो फेयर बताना चाहिए, क्योंकि दोनों ही फास्टेस्ट ट्रेन्स हैं, फास्टेस्ट 160 किलोमीटर पर आवर जा रही है, तो बहुत ही फास्टेस्ट है 160। हाँ मुझे लग रहा है वो थोड़ी सी से ज्यादा है, मुझे लग रहा है। वंदे भारत पे भी हमने की थी रिएक्शन, तो हाँ रिएक्शन किया था, तो वो भी बहुत जबरदस्त किस्म की ट्रेन थी। और इस ट्रेन का सबसे मजे की चीज थी कि वो बाहर दरवाजे पे बटन लगा हुआ था ना, वैसे वो कहते हैं मेट्रो वगैरह में नहीं होता क्योंकि वो सिटी के अंदर ही घूमती है, तो ये जो है लॉन्ग डिस्टेंस था तो इसके अंदर वो आप बटन दबा के तो आप आराम से जो है वो वेट कर सकते हो। अच्छा वंदे भारत में ये भी था कि वो मतलब आपके अपने ऊपर है कि आपको एक टाइम का खाना मील भी वहां पे मिलता था, लेकिन किराए में एडजस्ट आपको करवाना पड़ता था। हाँ वो किराए में एडजस्ट, किराए में आपकी मर्जी है कि आप वो डील ले लो, आपकी मर्जी है कि आप ना लो। अगर आपने लंबे रूट पे जाना है तो आप वो ले सकते हो, अगर आप मतलब नहीं लंबे रूट पे जा रहे, अगर मतलब आपकी मर्जी है। कुछ लोग ऐसे खा पी के आते हैं, नहीं उनका दिल करता, जैसे वो हमने देखा था जो व्लॉग बनाया था वो अपने साथ स्नैक्स वगैरह लेके आए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने उन्होंने वो उसका खाना जो है वो टेस्ट किया था, तो इसका ऐसा जब शायद चलने नहीं लगी हुई इसलिए शायद इनको नहीं इतना, तो ये जब चलेगी तो फिर हम लोग फिर भी इसकी वीडियो पे रिएक्शन करेंगे, कोई अगर हमें व्लॉग वगैरह नजर आया तो देखेंगे कि यहाँ पे भी मुझे लगता है होगा, क्योंकि एक सिटी से दूसरे सिटी में जब जाते हैं तो मुझे लगता है कि मोस्टली गाड़ियों में और ट्रेन्स में ये फैसिलिटी होती है खाने वगैरह की, मतलब स्नैक या कुछ छोटी मोटी चीजें जो है ना वो देते हैं। तो खैर जब ये चलेगी फिर हम लोग इस पे भी रिएक्शन करेंगे। तो ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दे इजाजत, अल्लाह।